जय हिंद, वेलकम बैक टू विजयपथ एजुकेशन पालमपुर। एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो आज HPTET आर्ट्स का एग्ज़ाम करवाया गया हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के द्वारा। तो आई होप आप सभी का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया हो। अभी हमने GK और सोशल साइंस की आंसर की आपको अपलोड करवा दी गई है। आप उसकी आंसर की जो है वो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आप देख सकते हैं किस प्रकार के आपके आंसर जो हैं वो रहे, कितनी आपकी आंसर जो हैं वो आपके सही रहे उस पोर्शन से। तो अभी मैं सेक्शन वन जो है चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट पेडागोजी का जो आपका सेक्शन था, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हम जिसको कहते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है BEd एंट्रांस एग्ज़ाम साथ में टैट CTET एग्ज़ाम के लिए, तो उस सेक्शन को हम कवर करने वाले हैं। तो ये टैट 2023 की हमारी जो एक सीरीज़ है उसमें आपका हो जाएगा। आज का पेपर जो था 3 दिसंबर 2023 को कंडक्ट करवाया गया HP बोर्ड स्कूल शिक्षा धर्मशाला के द्वारा। टैट आर्ट्स का एग्ज़ाम आज का ये रहा था। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम करेंगे, साथ साथ में आपको अपनी आंसर की जो है वो चेक कर सकते हैं। सीरीज़ जो है ये बी सीरीज़ रहेगी, हमारे एक स्टूडेंट के द्वारा हमें प्रोवाइड करवाया गया एक पेपर ये। तो जल्दी ही अपनी आंसर की जो है वो आप हमारे साथ चेक करें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था, विच फैक्टर रेफर्स टू एन इंडिविजुअल एबिलिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज। कौन सा कारक है एक व्यक्ति की ज्ञान प्राप्ति और उसका उपयोग करने की क्षमता को दर्शाता है, क्या कहा जाता है उसको? पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस, एटीट्यूड या फिर मोटिवेशन। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर बी, बुद्धिमता या फिर इंटेलिजेंस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज गिवन बाय, किसके द्वारा ये दिया गया था? तो ऑप्शन डी स्पीयरमैन के द्वारा जो है ये दिया गया था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, फार्डियन समझ के अनुसार विचार या उद्देश्य जिसके बारे में एक व्यक्ति वर्तमान में जागरूक है या याद कर रहा है उसको क्या कहा जाता है? तो फार्डियन के अकॉर्डिंग उन्होंने एक थ्योरी बताई थी, उन्होंने ये कहा था, अंडरस्टैंडिंग थॉट्स और मोटिव्स दैट अ पर्सन करंटली अवेयर ऑफ और रिमेम्बरिंग इज नोन एज, उसको क्या कहते हैं जो उसके बारे में जागरूक है या फिर उसको याद कर रहा है। तो थर्ड का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर ए, जागरूक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th है, विकास की आदर्श कार्यात्मक स्थिति क्या कहलाती है? ऑप्टिमल फंक्शनल स्टेट ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है डेवलपमेंट। ऑप्शन बी जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। वृद्धि और विकास जनरली दोनों एक ही टर्म है, लेकिन जब आप एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो ऑप्शन ए और बी, बुद्धि अलग है और विकास जो है वो अलग है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, परिपक्वता परिवर्तन काफी पूर्वानुमेय परिवर्तन क्रम में होते हैं और तब तक जारी रहते हैं जब तक, क्या हो जाता है? मैचुरेशन यानी कि मेच्योरिटी जो है वो चेंजेस अकर इन अ फेयरली प्रेडिक्टेबल सीक्वेंस एंड कॉन्टिन्यूस अंटिल, उसको कब तक जो है वो दर्शाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर रहेगा एडल्टहुड। मेच्योरिटी आपको एडल्टहुड तक आ ही जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक मानवीय व्यवहार मोस्ट ह्यूमन बिहेवियर जो है उसको क्या दर्शाया जाता है? क्या हम उसको आसानी से समझ सकते हैं? उसके अनेक कारण होते हैं, उसकी अनेक डिजायर्स होती हैं, अनेक इच्छा होती हैं, या फिर वो डिपेंड करता है सोशल इन्फ्लुएंस के ऊपर। देखिए जो ह्यूमन बिहेवियर है वो एक मल्टीपल कॉजेज के अकॉर्डिंग जो है वो हम शो करते हैं, उसमें सोशल फिजिकल डिफरेंट इन्फ्लुएंस जो है वो उसमें डिपेंड करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर बी, हैज मल्टीपल कॉजेज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 6 का आंसर बी, ऑप्शन बी जो है वो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th है, एक सामाजिक निहित और स्पष्ट के नियम के अनुसार एक सोसाइटी एस्टेब्लिश या फिर एक लॉ जो है वो दिया गया था। तो उसमें बताया गया कि इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट आर रेफर्स टू एज, जो समाज निहित और स्पष्ट यानी कि दोनों चीजों को जो है वो स्थापित किया जाता है उसको क्या कहा जाता है?
क्वेश्चन नंबर सेवंथ का राइट आंसर रहेगा नॉर्म्स। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट को जो है वो क्या कहते हैं, मानदंड कहा जाता है, नॉर्म्स कहा जाता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट है, कौन सा प्राप्त गुण है यानी कि एक्वायर्ड ट्रेट्स कौन सा है जो हमें अपने पेरेंट्स के द्वारा जो है वो हमें दिया जाता है। हाँ, आंखों का रंग हमें हमारे पेरेंट्स से मिलता है, रक्त हाँ ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है, सूरज की जलन ये तो कोई ऑप्शन नहीं बनता है, हाइट भी हो सकती है, जैसे अगर हमारे पेरेंट्स लंबे हैं तो हमारी हाइट भी जो है वो हो सकती है। लेकिन देखिए एक्वायर्ड ट्रेट्स का मतलब होता है, एक्वायर्ड ट्रेट्स का मतलब होता है ऐसा गुण जो कभी भी चेंज ना हो सके। अब देखिए हमारे पेरेंट्स की आईज का कलर अगर ब्लैक है, हमारा भी ब्लैक है, लेकिन हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद हमारी आईज का कलर कैसा हो जाए, ब्राउन हो जाए, तो हो गया ना चेंज। लेकिन जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड टाइप है, वो कभी चेंज नहीं होगा। अगर मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है तो लाइफ टाइम तक क्या रहेगा, बी पॉजिटिव रहेगा। तो एक्वायर्ड ट्रेट का मतलब है दैट कैन नेवर बी चेंज इन होल लाइफ। तो ऑप्शन बी जो है इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन्थ रहेगा, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की सहायता करता है। अब एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो मोस्टली किस चीज के लिए जो है वो यूज की जाती है, देखिए ये समझाता है कि छात्र जो है वो कैसे ज्ञान प्राप्त कर सके, बिल्कुल इफेक्टिव लर्निंग जो है, इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटर्जी लर्निंग पूरी की पूरी सारी चीज़ों के ऊपर इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अगर डेवलप करना है तो एजुकेशन साइकोलॉजी ही एजुकेटर की हेल्प करती है। तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेंथ, स्किनर के अनुसार अकॉर्डिंग टू स्किनर डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ, डेवलपमेंट जो है वो किसका रिजल्ट है, तो कॉन्टिन्यूस शेपिंग प्रोसेस है, सतत आकार देने की प्रक्रिया का एक मुख्य परिणाम किसको कहा जाता है, स्किनर के द्वारा डेवलपमेंट को कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप अभी तक जो भी आपने आंसर चेक किए हैं आपकी वो बिल्कुल एक्यूरेट जाएं। क्वेश्चन नंबर 11th है, ऑपरेंट कंडीशनिंग एम्स द कंडीशन व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर, तो जीन पियाजे की थ्योरी जो मैं ये दिया गया था, कंडीशन दी गई थी वहां पे, तो इसका अभी तक जो है वो मेरे अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ मेरे को डाउट लग रहा है, तो आप इसको जो है वो कमेंट जरूर करें कि क्वेश्चन नंबर 11th का आंसर क्या रहेगा। अभी मैं क्वेश्चन मार्क इसके ऊपर लगा के चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, शारीरिक और मनोविज्ञानिक कारकों की परस्पर क्रिया से जो रोग प्रतीत होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको कहा जाता है इनको कहा जाता है मनोदैहिक, साइको मैट्रिक। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 12th का। क्वेश्चन 13 है, हम बुद्धि को किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं यानी कि इंटेलिजेंस की प्रॉपर एक डेफिनेशन क्या बनेगी इंटेलिजेंस की, क्वेश्चन नंबर 13 आपका रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर है इसका मतलब होता है कि एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्ट या फिर इन क्रिएटिव वे एंड लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, शिक्षा मनोविज्ञान का प्राथमिक लक्ष्य क्या है यानी कि प्राइमरी गोल क्या है एजुकेशन साइकोलॉजी का, तो देखिए इसका जो प्राइमरी गोल है वो रखा जाता है कि ये लर्निंग को क्या कर दे, आसान बना दे, उसको सुविधाजनक बना दे। तो ऑप्शन सी, विकास को सुविधाजनक, अध्ययन को सुविधाजनक बनाना, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का विषय नहीं है, तो देखिए एजुकेशन साइकोलॉजी का कौन सा पार्ट नहीं है, तो इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो इसको नॉर्मली काउंट नहीं किया जाता है। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, की प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी किसको कहा जाता है, मुख्य सिद्धांत क्या है इसका, देखिए तो इसको कहा जाता है वन साइज फिट्स ऑल यानी कि एक ही जगह पे सारी की सारी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करवा देना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर जो है वो माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, द नेचर डिबेट इज एजुकेशन साइकोलॉजी इज रेफर्स टू, तो प्रकृति पालना जो विवाद है उसका मतलब क्या है, नेचर जो डिबेट है उसका जो मेन मतलब है वो ये है कि इन्फ्लुएंस करता है जेनेटिक्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर ऑफ लर्निंग के बारे में। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच थ्योरी स्ट्रगल्स सजेस्ट दैट लर्निंग अकर्स थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड लिमिटेशन, कौन सी ऐसी थ्योरी है जो हमें ये बताती है कि सीखना दर्शन और अनुकरण के माध्यम से होता है, तो बिहेवियरिज्म, सोशल लर्निंग थ्योरी, कंस्ट्रक्टिविज्म एंड
मानवतावाद। हाँ ऑप्शन, हाँ बिल्कुल सही, जो भी हमारे साथ थी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, बिल्कुल सही आंसर जो है वो आपका कमेंट में आया है। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन बी है, सोशल लर्निंग थ्योरी। बिल्कुल सही आंसर दिया है विकास कुमार जी ने, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस अबाउट थिंकिंग फीलिंग एंड एक्शन इज, क्या कहा जाता है सोच भावना और कार्यों के बारे में चेतना की डिग्री को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है सेल्फ अवेयरनेस, ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, इवैल्यूएशन ऑफ सेल्फ बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन और सोशल कंपैरिजन इज नोन एज, इसको क्या कहते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ सेल्फ बेस्ड रिफ्लेक्शन क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा सेल्फ एस्टीम, आत्म सम्मान, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, देयर इज एन एविडेंस ऑफ हेरिडिटी कंपोनेंट इन डेवलपमेंट ऑफ द मेंटल इलनेस इज नोन एज, क्या कहते हैं उनको? तो उनको कहा जाता है न्यूरोटिक डिसऑर्डर, यानी कि दिमाग से संबंधित जब कोई, जैसे देखिए सिंपल सी बात आपसे पूछी गई थी कि मेंटल इलनेस यानी कि जिसका दिमाग क्या है कमजोर है, मानसिक रूप से क्या है वो बीमार है, तो उसको क्या होगा, न्यूरोसर्जन के पास उसको बताना पड़ता है। तो यानी कि वो क्या है, साइको यानी कि मनोविश्लेषण के पास उसको बताना पड़ता है, न्यूरो के जो डॉक्टर रहते हैं उसको, वो क्या है, एक डिसऑर्डर है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, जनरल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज गिवन बाय, किसके द्वारा दी गई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन बी जीन पियाजे के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके पास, अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ सोशल साइकोलॉजी इंक्लूड्स द डेवलपमेंट एंड द परफेक्शन ऑफ द टेक्निक्स फॉर मेजरिंग, सामाजिक मनोविज्ञान के अनुप्रयुक्त पहलुओं में मापने के लिए तकनीकों का विकास और पूर्णता किसमें शामिल होता है, क्या कहा जाता है उनको, एटीट्यूड, ओपिनियन, सोशलाइजेशन या फिर ऑप्शन ए एंड बी बोथ। तो उनको कहा जाता है, जैसे कि हम किसी को क्या दें, ओपिनियन दें या फिर उसका जो है वो रवैया कैसा है, एटीट्यूड कैसा है, तो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा, बोथ ए एंड बी, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे कमेंट किया है। 24th क्वेश्चन है, द एजुकेशन साइकोलॉजी एडवाइस अ स्कूल बोर्ड ऑन, क्या कहते हैं, शैक्षिक मनोविज्ञान एक स्कूल बोर्ड को क्या सलाह देते हैं, क्या करना चाहिए उनको, पुराना पाठ्यक्रम, उत्तेजना का परिसंचरण, कौशल या फिर नया पाठ्यक्रम। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक कन्फ्लिक्ट, ऑप्शन बी एंड सी जो है वो दोनों आ सकते हैं, लेकिन मैं मेजोरिटी जो है वो ऑप्शन बी को दूंगा, क्योंकि उत्तेजना का नहीं, ऑप्शन बी यहाँ पे ऑप्शन बी या सी में से कुछ भी आ सकता है, करिकुलम जो है वो, हाँ करिकुलम भी चेंज होना चाहिए, न्यू करिकुलम। आप इसका एक बार कमेंट करके आंसर आप जरूर बताइए, क्वेश्चन नंबर 24 का मेजोरिटी किसके साथ जाती है और बेसिकली डिपेंड करता है आपकी आंसर की के ऊपर। तो इन स्कूल द चाइल्ड फेसेस, क्या वो फेस करता है स्ट्रगल, न्यू सोसाइटी, ग्रुप या फिर रेजिस्टेंस। तो देखिए सबसे पहले बच्चा जो जब स्कूल जाता है तो वो फेस करता है अपना पीयर ग्रुप, अपना पीयर ग्रुप जो है वो क्या करता है, फेस करता है, उसमें उसको जो है सबसे ज्यादा उसमें उसको प्रॉब्लम जो है वो फेस करता है। तो ऑप्शन सी ग्रुप जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, निकटतम विकास क्षेत्र की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये दिया गया था, ये भी जीन पियाजे की थ्योरी में जो है वो बताया गया है, जीन पियाजे की थ्योरी ने ही इसको जो है वो डिफाइन किया है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 27, एजुकेशन साइकोलॉजी इज रेलिवेंट टू, किसके रिलेटेड जो है ये जुड़ी है, कक्षा के शिक्षक, स्कूल प्रशासक, माता पिता और देखभाल करता या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए एजुकेशन साइकोलॉजी टीचर प्लस स्टूडेंट दोनों के साथ जुड़ी होती है, तो इसमें देखिए क्लासरूम टीचर भी है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर, पेरेंट्स, ठीक है। तो इसका बेसिकली आंसर जो यहाँ पे रहेगा वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो किसके अकॉर्डिंग जुड़ी है, एजुकेशन साइकोलॉजी बेसिकली जो है वो टीचर और स्टूडेंट के बीच का ही क्या है, एक इफेक्टिव लर्निंग प्रोसेस है, तो टीचर है, स्टूडेंट का ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन ए को हम मेजोरिटी में लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सी व्यक्तिगत शिक्षार्थी विशेषता का एक उदाहरण है, आपको बताना है एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या इसका राइट आंसर रहेगा।
28 का राइट आंसर है क्लासरूम क्लाइमेट, कक्षा का माहौल जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, मूल्यांकन में शैक्षिक मनोविज्ञान की भूमिका में शामिल है, तो रोल ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी इन असेसमेंट इंक्लूड्स, क्या असेसमेंट किया जाता है, तो ऑल ऑफ दीज, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए सीखने, ध्यान, स्मृति, भाषा, सोच, तर्क और रचनात्मक जैसी मानसिक गतिविधियों में परिवर्तन या फिर स्थिरता को क्या कहा जाता है, जैसे कि चेंज आ रहा है किसमें, मेंटल एबिलिटी में, उसमें स्टेबिलिटी आ रही है, लर्निंग है, अटेंशन, मेमोरी, लैंग्वेज, थिंकिंग, रीजनिंग, क्रिएटिविटी, ये सारी की सारी चीजें जो है वो किसमें डिफाइन की जाती हैं, ये हमारे सारे के सारे माइंड से जुड़ी है, और माइंड से कौन सी चीज जुड़ी है, वो जुड़ी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। तो 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के पूछे जाते हैं, हमने सारे के सारे कवर किए, आई होप आपको क्लास काफी अच्छी लगी। हमारे अदर सेक्शन इंग्लिश, सोशल स्टडी एंड जीके का सेक्शन आपके लिए प्रोवाइड करवा दिया गया है, हमारी प्लेलिस्ट के ऊपर जाके आप उन तीनों सेक्शंस की आंसर की को चेक कर सकते हैं, एक कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आपको एक एचपी टैट आर्ट्स की कंप्लीट वीडियो आपको शाम को देखने को मिलेंगी, तो आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहें और अपनी आंसर की को चेक करें और कमेंट करें कि आपका स्कोर कितना रहा। जल्दी ही एक नई क्लास के साथ मैं आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।